स्कूलों के शिक्षकों को अध्यापन में दक्ष बनाने के लिए शिक्षा विभाग व मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निष्ठा एकीकृत प्रशिक्षण निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया हुआ है। बुधवार को जिले में निष्ठा प्रशिक्षण के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया। इसके तहत उच्च विद्यालय अररिया में 5 दिवसीय निष्ठा एकीकृत प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। इसमें प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर्स व की रिसोर्स पर्सन द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को शामिल किया गया। शिक्षकों को बेहतर अध्यापन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को खेल खेल में आसान तरीके से बेहतर अध्यापन के बारे में बताया गया। बता दें कि MHRD 20 दिसंबर तक प्रदेश के सभी जिलों में निष्ठा का प्रशिक्षण पूरा करने के निर्देश हैं। इस अवसर पर साधन सेवियों में मोहम्मद जमाल निरंजन सिंह, दीपेंदु चित्रंजन कुमार, राजकिशोर सिंह, चैतन्य कुमार ने शिक्षकों को बेहतर अध्यापन के लिए प्रेरित किया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों में सत्येंद्र नाथ झा, मोहम्मद आफ्ताब फिरोज, शारदा झा के साथ साथ सभी प्रशिक्षुओं में काफी उत्साहित देखा गया। विद्यालय में बच्चों के लिए एक गतिविधि करेंगे, ठीक है ना। हम जैसे जैसे कर रहे हैं सब कोई करना सब कुछ, ठीक है। भागीदारी सबकी रहनी चाहिए। रेडी है, हाथ खोल लीजिए। वन फिंगर डांसिंग, वन फिंगर डांसिंग, टू फिंगर डांसिंग, टू फिंगर डांसिंग, थ्री फिंगर डांसिंग, थ्री फिंगर डांसिंग, फोर फिंगर डांसिंग, फोर फिंगर डांसिंग, फाइव फिंगर डांसिंग, फाइव फिंगर डांसिंग, ऑल फिंगर डांसिंग, ऑल फिंगर डांसिंग, वन हैंड डांसिंग, वन हैंड डांसिंग, टू हैंड डांसिंग, टू हैंड डांसिंग, वन लेग डांसिंग, वन लेग डांसिंग, ऑल बॉडी डांसिंग, ऑल बॉडी डांसिंग। पहले सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, आपका नाम क्या हो? जी, मेरा नाम चैतन्य कुमार है। मैं मध्य विद्यालय तीरा सिक्टी में पोस्टेड हूँ सहायक शिक्षक के रूप में। तो सर, आज ट्रेनिंग जो दिया गया सर, तो इसमें क्या बताना चाहेंगे? सर, ये एक निष्ठा मॉड्यूल है। ये जो है पूरा भारतवर्ष में एक साथ संचालित किया जा रहा है। अपना बिहार में भी जो है इसका एक साथ संचालित किया जा रहा है। और ये निष्ठा मॉड्यूल में कुल मिला करके 12-17 मॉड्यूल है। और हम KRP के रूप में राज्य से प्रशिक्षित होकर के आए हैं और यहाँ पे निष्ठा मॉड्यूल के तहत ही प्रशिक्षण दे रहे हैं शिक्षकों को। तो इसमें मूल रूप से सिखाया जाता है कि हमारे पूर्व में जो शिक्षा पद्धति था और अब में जो शिक्षा पद्धति है, उसमें कुछ बदलाव जरूरी है और इसके अंतर्गत बदलाव किया जा रहा है। तो सर, आज जो टीचर लोग को जो आपने ट्रेनिंग सिखाया, तो क्या इसमें बच्चे को कुछ बदलाव आने वाले हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अभी हमने एक गतिविधि कराया, ये कला समेकित शिक्षा के अंतर्गत मॉड्यूल नंबर 3 में है, जो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के तहत आता है। और इसमें मेन है कि बच्चों को ही ज़्यादा फोकस दिया गया है। इसमें बच्चों को एक विषय से दूसरे विषय में कैसे जोड़ना है और कैसे समझाना है बच्चों को और समझना है, और खेल खेल में ही गतिविधि के माध्यम से बहुत सारे चीज़ें वो बच्चे सीख पाएंगे। जी, तो और कुछ सर बताना चाहेंगे? जी सर, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्रशिक्षण चल रहा है और प्रतिभागियों में देख रहे हैं कि हम जो बता रहे हैं उसको भी लग रहा है कि नहीं, ये सारे ट्रेनिंग से कुछ हट करके और सही। जी सही है। चलिए, धन्यवाद। जी धन्यवाद। सर, आज जो ट्रेनिंग दिया गया है टीचरों सबको, तो सर इसमें क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये आज का जो युग है, ये डिजिटल युग है और बहुत सारा परिवर्तन आया है। अभी हम जब क्लास घुसते हैं तो हम देखते हैं कि जो विषय हम पढ़ाने जाते हैं, हमसे पहले से बच्चा PDF डाउनलोड करके आया हुआ होता है, यानी वो काफ़ी आगे का सोच रहा है। और इस युग में अगर हम किताब तक महदूद रहते हैं तो ये सही नहीं है। इसलिए सरकार चाहती है कि डिजिटल युग में डिजिटल का जो है इस्तेमाल हो, जैसे कि जो है मोबाइल है, गूगल है, यूट्यूब है,
इसके माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाया जाए, जिसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है और आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा सारा फायदा देखने को मिलेगा। आप अपना नाम बताएंगे? आफ्ताब फिरोज। नाम बताएंगे मैडम? मेरा नाम अतिया फहमी है, UMS हयातपुर बालक से। हम लोग यहाँ निष्ठा ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसमें 12-5-17 मॉड्यूल है और ये खेल गतिविधि से अभी जो हम लोग किए थे खेल गतिविधि से ये क्या कहते हैं कला समेकित शिक्षा के बारे में, तो बच्चों को खेल खेल विधि में कैसे पढ़ाना है ये अभी जो किए थे हम लोग, इसमें से बच्चों को काउंटिंग के बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी, हैंड के बारे में, लेग के बारे में, इससे बच्चे मनोरंजित होके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसीलिए ये क्या कहते हैं बच्चों को पढ़ाने में बहुत ही आसानी होगी, बच्चे बहुत खुशी के साथ इसको मनोरंजन के साथ पढ़ेंगे, इससे हम लोग को बहुत कुछ सीख मिल रही है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस विद्यालय जाके इस पर पूरी अमल करें, पूरी तरीके से बच्चे को अच्छा से पढ़ाएं। मुझे उम्मीद है कि बच्चे बहुत अच्छा पढ़ेंगे अगर हम लोग जो यहाँ पे ले रहे हैं इतनी अच्छी ट्रेनिंग, अगर ये स्कूल में जाके उतार देंगे इसको, बच्चों को बताएंगे पढ़ाएंगे इस तरीके से, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। ये स्कूल हेड एंड टीचर्स के लिए एक राष्ट्रीय स्तरीय पहल है अपने आप को उन्नत करने के लिए। मेरा नाम शम्स जमाल। ऊपर चलिए। आज जो ट्रेनिंग दिया गया मैडम, इससे क्या बदलाव और क्या सीखे आप? इससे ये सीखने को मिला बच्चे को मतलब वन फिंगर का मतलब ज्ञान हुआ, वन फिंगर, टू फिंगर, फोर फिंगर, फाइव, मतलब फिंगर का गिनती का, वन फिंगर का ये मतलब गिनती का ज्ञान हुआ, गिनती का ज्ञान हुआ, गिनती का उसको काउंट मतलब वन फिंगर टू फिंगर करके काउंट का उसको ज्ञान हुआ। फाइव फिंगर का मतलब क्या हुआ? फाइव फिंगर पूरा हथेली। जी आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम निखत पड़े, MAS कमल था विद्यालय। निष्ठा एक्चुअली देखिए ये प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए है, इसमें वर्ग 1 से लेकर 8 तक के शिक्षक शामिल हो रहे हैं और निष्ठा के अंतर्गत हम जो ये शिक्षकों को सिखा रहे हैं कि आज के दौर में शिक्षा का संपूर्ण जो है पोर्टफोलियो वो चेंज हो रहा है। अब आपके सामने जो बच्चे हैं वो नए दौर के बच्चे हैं, टेक्नोलॉजी के युग के बच्चे हैं, यहाँ पे ज्ञान का विस्फोट हो चुका है सबके हाथ में, जो भी पेरेंट्स है या बच्चे हैं तो उनके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन आ गया, तो कैसे आप उसका सामना करें, तो इसके लिए शिक्षकों को ये सिखाया जा रहा है कि आपको अपने कार्यक्रम में या आपका जो टेक्निक एक चलता आ रहा है उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको इसमें आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग भी देना होगा, इसमें आपको ICT का उपयोग करना होगा, तो ये हम शिक्षकों को, और दूसरा इसका पहलू है कि एक तरह का ये मोटिवेशनल प्रोग्राम है कि उनको हम मोटिवेट करते हैं और बताते हैं कि अब जाके आप कैसे बच्चों को शिक्षा देंगे, बच्चों को आप कैसे इन्वायरमेंट से जोड़ेंगे। NCF 2005 का जो गाइडलाइन है उसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं कि उसके द्वारा आप कैसे बच्चों को अच्छे से अच्छे मतलब जो कंटेंट बेसिस पढ़ाई था कैसे बच्चों को कंटेंट से हटा के आप कॉम्पिटेंसी की ओर ले जाते हैं, ये हमारा निष्ठा। मेरा नाम निरंजन कुमार सिंह है और मैं यहाँ निष्ठा ट्रेनिंग में प्रशिक्षक के रूप में। एरिया में खुल गया है मल्टी फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल जिसमें आपको मिलेगा 24 घंटे सातों दिन आपातकालीन सुविधा, ICU, NICU, जनरल फिजिशियन, स्त्री रोग, शिशु रोग विशेषज्ञ, ऑर्थो फार्मेसी, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, कंप्यूटराइज लैब, एम्बुलेंस की सुविधा, जनरल वार्ड एवं डीलक्स वार्ड की सुविधा। हमारे अनुभवी सर्जन एवं डॉक्टर के द्वारा हमेशा आपकी सेवा में 24 घंटे CCTV कैमरे की निगरानी में। हमारा पता है हॉस्पिटल रोड, 0 माइल, अररिया।